हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपका 1 जुलाई 2021 को जो स्माइल 3.0 का होमवर्क आया है क्लास 12th का, उसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर और आज हम पोएम करेंगे ए लेक्चर अपॉन द शेडो। ये इसका पार्ट 1 है जो 1 जुलाई को आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन कॉपी एंड शेयर विद योर टीचर्स। क्वेश्चन 1, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के फाउंडर कौन है? अगर बच्चों आपको इस पोएम को अच्छे से पढ़ना है तो आप इंग्लिश विद छगन अरोड़ा सर्च कीजिए, वहां पर आपको ये पोएम अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आप सर्च कीजिएगा और आपको ये पोईम वहां मिल जाएगी और आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर है जॉन डन। जॉन डन इज नोन एज दिस फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। जॉन डन को मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री का फाउंडर माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट रिफ्लेक्ट्स इन ए लेक्चर अपॉन द शैडो। ए लेक्चर अपॉन द शैडो पोएम में हमें क्या रिफ्लेक्ट होता है? तो इसका आंसर है दिस पोएम रिफ्लेक्ट्स एन एम्फेसिस ऑन द इंटेलेक्ट एंड विल एज अगेंस्ट फीलिंग एंड इमोशंस। ये जो पोएम है, ये पोएम हम इंटेलेक्ट यानी बुद्धि और विल यानी कि इच्छा, इसके ऊपर एक इम्फेसिस, एक जोर देती है, ना कि फीलिंग और इमोशंस। क्वेश्चन थर्ड, नेम द मेजर वॉल्यूम्स रिटन बाय जॉन डन। जॉन डन के लिखे हुए कुछ प्रमुख कविता संग्रह के नाम बताइए। तो नंबर 1 इज स्यूडो मार्टिर 1610। पहला है स्यूडो मार्टिर, जो कि उन्होंने 1610 यानी कि 1610 में लिखा था। और दूसरा है इग्नाटियस हिज कंक्लेव 1611। दूसरे का नाम है इग्नाटियस हिज कंक्लेव 1611। थर्ड इज द फर्स्ट एनिवर्सरी एंड एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड 1611। एंड फोर्थ इज द सेकंड एनिवर्सरी ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल 1612। और फिफ्थ है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से ही हमारा जो ये ए लेक्चर अपॉन द शैडो लिया गया है। और फोर्थ क्वेश्चन भी यही है, फ्रॉम विच वॉल्यूम ऑफ जॉन डन्स अ लेक्चर अपॉन द शैडो टेकन। किस कविता संग्रह से उनकी ये पोयम ए लेक्चर अपॉन द शैडो ली गई है? तो इसका आंसर है दिस पोयम इज अ पार्ट ऑफ डन्स फेमस बुक सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ये पोयम जॉन डन की मशहूर किताब सॉन्ग्स एंड सोनेट्स का एक हिस्सा है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। इस पोएम की राइम स्कीम क्या है? अ लेक्चर अपॉन द शैडो हैज 26 लाइंस इन आयम्बिक पेंटामीटर विद एन ए ए बी बी सी डी डी सी ई ई ई राइम स्कीम। ए लेक्चर अपॉन द शैडो पोएम में 26 लाइनें आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं, जिनकी राइम स्कीम ए ए बी बी सी डी डी सी ई ई ई है। तो इस तरह से आपका ये जो आज का पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है। आप इसे कंप्लीट कीजिए और जल्दी ही आपका पार्ट 2 भी आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और कमेंट कर जरूर बताइए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।